तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप हॉटस्पॉट अपने डिवाइस का यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फुल होती है आपके डिवाइस के लिए। जब आप अपने हॉटस्पॉट को यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं तो आप इन सेटिंग्स को जो यूज कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे 2 से 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जितने भी सेटिंग्स बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको आपके डिवाइस के कनेक्शन से लेकर यहाँ पे हर एक चीज के लिए, आपके डेटा को सेविंग तक यहाँ पे हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं तो आज की वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे जो है हॉटस्पॉट से रिलेटेड जो है आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पर्सनल हॉटस्पॉट अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको आपको जरूर से यूज करना चाहिए एंड मैं भी यहाँ पे जो आप इन सेटिंग्स को फॉलो करते हैं तो वो आपके डिवाइस के लिए काफी अच्छी एक परफॉर्मेंसफुल यहाँ पे जो है आपके लिए डिवाइस के लिए होने वाला है और कहीं ना कहीं भाई इससे आपके डिवाइस में जो है अगर आप यहाँ पे कनेक्शन वगैरह भी करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वो ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको आपको जरूर से फॉलो करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो देख सकते हैं मैं अपने हॉटस्पॉट की सेटिंग में जो यहाँ पे चले जाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद जो है डायरेक्ट हम कनेक्शन एंड सेटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल हॉटस्पॉट मिलता है, यहाँ से ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स जो है बता देता हूँ आपको जो कि मे भी काफी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे जो पहली सेटिंग है वो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको इस फंक्शन को ऑन कर देना है जरूर से। देखिए क्या होता है, जब आप अपने डिवाइस से किसी भी अनदर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तब तो ठीक है, तब तक आपका डिवाइस जो है कनेक्टेड है, जब तक चल रहा है। अब मान लीजिए उस दूसरे डिवाइस में आपको कोई भी काम ना रहे तो किसी भी कारण से आपने उसका जो है वाईफाई जो है बंद कर दिया है तो भाई वाईफाई तो आपने उसका बंद कर दिया लेकिन इसका हॉटस्पॉट तब भी ऑन रहेगा। लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हैं तो वहां पे अगर इस डिवाइस को कोई भी जो यहाँ पे जो इसके नियर बाय में अगर कोई भी डिवाइस नहीं मिलता है या फिर ये इस डिवाइस से कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट नहीं होता है तो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये जो हॉटस्पॉट है वो यहाँ पे जो है ऑफ हो जाएगा। मतलब ये काफी अच्छा फीचर है, इससे आपका डिवाइस जो बोलते ना सब ओवर हीट हो रहा है डिवाइस या फिर हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है या फिर बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो सारी दूर होने वाली है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली इस सेटिंग को ऑन करना है। जैसे ही अगर आपका डिवाइस टर्न ऑन जैसे अभी हमने कर दिया है, अब यहां पे कोई भी हॉटस्पॉट देखिए मैं ऑन कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे कोई भी जो है डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं जब तक हमको उस डिवाइस को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं एंड जैसे ही आप उसको बंद कर देंगे तो ये भी जो है 10 मिनट बाद उसके बंद हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी सेटिंग है जिसको आपको जरूर से यूज करनी चाहिए। एंड बात करें नेक्स्ट सेटिंग के बारे में तो यहां पे आपको जो है अपने डिवाइस को जो है आपको कनेक्शन मैनेजमेंट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स यूज करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज तो जरूर से आपको यूज करनी चाहिए, डेटा रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है। ये काफी अच्छा फीचर है जो कि आपके डेटा को जो है सेव कर सकते हैं। देखिए इसमें आप कितना भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने भी चाहे तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि बगल वाले को जो है मतलब मेरे डिवाइस में इतना डेटा है तो मैं इससे ज्यादा डेटा नहीं देना चाहता मुझे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास जो है 200 मतलब डेटा 200 MB का, तो मैंने चलिए इसको 200 MB सेट कर दिया है। 200 MB के बाद वो जाए जितना यूज करे, लेकिन मेरा जो यहाँ पे जो लिमिटेशन मतलब एक हिसाब से मैंने लगा दिया है, ठीक है। लिमिटेशन में क्या होगा, जब हम इस 200 पे हमने सेट कर दिया तो जैसे ही ये अपना जो है हॉटस्पॉट का डेटा यहाँ पे 200 के आसपास पहुंचेगा वैसे ही यहाँ से ये ऑटोमेटिक जो है डिस्कनेक्ट करवा देगा, मतलब बगल वाले में, ठीक है। तो बगल वाले को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ टेक्निकल एरर आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे आपने सेटिंग यूज करी है, ठीक है। तो मतलब 200 MB से ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, तो इस को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब लिमिटेशन अगर आप चाहते हैं अनदर डिवाइस के लिए तो आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेटिंग को भी आप जरूर से यूज कर सकते हैं। और यहां पे आपको यहां पे जो नेक्स्ट सेटिंग है तो यहां पे मैं आपको बता दूं नेक्स्ट सेटिंग में आपको करना क्या होगा। यहां पे मैक्सिमम आपको 3 से या फिर 4 डिवाइस जो यहां पे सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। कनेक्शन जो अलाउड करना है आपको मैक्सिमम 3 से 4 करना है, तो ये काफी अच्छी सेटिंग है जिसको मतलब आप जो 4 डिवाइस अगर ज्यादा कनेक्ट करते तो आपका डिवाइस क्या करता है, पहली बात तो स्पीड कम हो जाती है आपके डिवाइस की, ठीक है। आप भी प्रॉपर इंटरनेट यूज नहीं
पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर 10 डिवाइस को भी कनेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, डिवाइस ओवरहीट भी हो सकता है, डिवाइस में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है, तो इन सब चीजों को भी आप जरूर से ध्यान में रख सकते हैं। एंड मैं आपको और सेटिंग्स बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से जो है क्यूआर कोड को यूज करना है, ठीक है। जब भी आप अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्शन दें तो यहाँ पे आप जो है क्यूआर कोड को ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्यूआर कोड वगैरह को जनरली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप बना के नियर बाय में जो भी रहेगा तो उसका आप क्यूआर कोड मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स है जनरली जो कि मैंने आपको बताई, ये जरूर से मे भी आपको हॉटस्पॉट के लिए जरूर से ट्राई करनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा एक हिसाब से अच्छा यहाँ पे फीचर जो है प्रोवाइड करवाती है और काफी अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स भी हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने सेटिंग्स बताई ये काफी अच्छी हेल्पफुल सेटिंग्स हैं आपके लिए। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कीजिएगा और इसी तरीके की टिप रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।